हेलो फ्रेंड्स, ए वॉर्म गुड मॉर्निंग। आज आपको हम बताएंगे एम्बिग्यूटी इन ग्रामर, इनहेरेंट एम्बिग्यूस ग्रामर एंड अनएम्बिग्यूस ग्रामर। एम्बिग्यूटी इज ए टाइप ऑफ मीनिंग इन विच सेवरल इंटरप्रिटेशंस आर पॉसिबल। ए कॉमन एस्पेक्ट ऑफ एम्बिग्यूटी इज अनसर्टेनिटी। इट इज दस and attributes of any idea or statement whose intent and meaning cannot be defined, resolved according to a rule or process with a finite number of the steps. An ambiguous grammar is a context-free grammar for which there exists a string that can have more than one leftmost derivation or parse tree, while an unambiguous grammar is a context-free grammar for which every valid string has a unique leftmost derivation or parse tree. Many languages admit both ambiguous and unambiguous grammar, while some languages admit only ambiguous grammar. अगर कोई भी प्रोडक्शंस ग्रामर में आपको दिए गए हुए हैं और उनसे टू और मोर देन टू पास ट्री जनरेट करते हैं, दैट मीन्स वो ग्रामर आपकी एम्बिगुअस ग्रामर होगी, जो आपके किसी भी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में डिफरेंट सॉल्यूशन, डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू सेम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकती है। एम्बिगुअस के लिए कोई पर्टिकुलर एल्गोरिथम डिज़ाइन नहीं की गई है, क्योंकि डिफरेंट प्रोसेस से आप सॉल्यूशन सेम फाइंड आउट करते हैं। एंड एनी नॉन एम्प्टी लैंग्वेज एडमिट एन एम्बिगुअस ग्रामर बाय टेकिंग एन अनएम्बिगुअस ग्रामर एंड इंट्रोड्यूसिंग ए डुप्लीकेट रूल विदाउट एम्बिगुअस ग्रामर इन द एम्प्टी लैंग्वेज। ए लैंग्वेज दैट ओनली एडमिट एम्बिगुअस ग्रामर इज कॉल्ड एन इनहेरेंटली एम्बिगुअस लैंग्वेज एंड ग्रामर इज नोन एज द inherent ambiguous grammar. And there are inherently ambiguous context-free languages. Deterministic context-free grammar are always unambiguous and are an important subclass of unambiguous grammar. There are non-deterministic unambiguous grammar, however. What is inherently ambiguous language? सपोज दैट आपके पास कोई एक लैंग्वेज है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, जो इस प्रकार से डिफाइन की जाती है कि एल इज इक्वल टू एल ऑफ जी, देन एम्बिग्यूस, देन एल इज सेड टू बी इनहेरेंटली एम्बिग्यूस लैंग्वेज। जितनी भी अगर पॉसिबल है कि एम्बिग्यूस इसका डिजाइन किया जा सकता है, दैट इज द इनहेरेंट एम्बिग्यूटी। Ambiguous grammar is unlikely to be useful for programming languages because two parse tree structure or more for same string program implies two different meaning executable program for the program. In a context-free grammar, G has more than one derivation tree for some string, W belongs to L of G, is called an ambiguous grammar. There exist multiple rightmost or leftmost derivation for some string generated for that grammar. Mostly आपको leftmost derivation tree determine करनी है। आप जब derivation पे या parse tree generate करते हैं तो आपको left और right, left derivation right की तरह same होता है। There is no problem regarding the ambiguity. Suppose that कोई भी अगर example दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, अगर a का production a plus a दिया गया है, a minus दिया गया है, a string दिया गया और एक terminal symbol a दिया गया है, तो अगर कोई भी हम string derive करते हैं a plus a या a plus a minus a, तो हम इससे दो different parsity generate कर सकते हैं। लेकिन अगर नॉन टर्मिनल के रिस्पेक्ट में राइट हैंड साइड में एक ही नॉन टर्मिनल है और दूसरा टर्मिनल सिंबल्स है, तो हम इसको जो है
एक सिंगल पार्सिटी जनरेट कर सकते हैं। सपोज दैट कोई भी डेरिवेशन अगर दिया गया है, अगर स्ट्रिंग ए प्लस ए के फॉर्म में दी गई है, ध्यान दीजिएगा, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए टेंस टू ए प्लस ए कंसिडर किया, फर्स्ट ए को हमने ए कन्वर्ट किया थ्रू द ग्रामर, फिर नेक्स्ट ए को हमने ए प्लस ए कंसिडर किया, फिर नेक्स्ट ए जो लेफ्ट साइड से हम लोग स्टार्ट करेंगे कंसिडर किया, और आपकी ये स्ट्रिंग फाइंड आउट हो गई। सेम प्रोसेस देखते हैं, ए प्लस ए में फर्स्ट ए प्लस ए को हमने कंसिडर किया ए प्लस ए, और ए को हमने रिड्यूस किया ए, फिर ए को प्रोडक्शन दिया गया है नॉन टर्मिनल के रिस्पेक्ट में ए, फिर नेक्स्ट ए को हमने कन्वर्ट किया ए पार्ट में, तो हम देख रहे हैं कि दो पास ट्री जनरेट हो रहे हैं। जब इसका ट्री फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो दोनों डिफरेंट ट्री आपको फाइंड आउट होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, इसका डेरिवेशन ट्री जनरेट किया गया है ए प्लस ए माइनस ए। तो सबसे पहले क्या हम कंसीडर करेंगे, ए का प्रोडक्शन ए प्लस ए कंसीडर करेंगे, ए को हम नॉन टर्मिनल में रिप्रेजेंट करेंगे ए, फिर फर्दर इस ए को नेक्स्ट जो राइट हैंड साइड में है उसको हमने रिप्रेजेंट किया ए माइनस ए। तो आपकी जो स्ट्रिंग फाइंड आउट हो रही है वो ए प्लस ए माइनस ए। सेम अगर हम नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं तो ए इज इक्वल टू ए माइनस ए कंसिडर किया गया, और ए को हमने क्या कंसिडर किया है, ए को हमने कंसीडर किया है ए प्लस ए। तो इसकी जो भी स्ट्रिंग कंसीडर होगी हम क्या देख रहे हैं, दोनों क्या है आपकी सेम है, दैट इज द एम्बिग्यूस ग्रामर। सिंपल प्रोसेस, अगर एग्जांपल एक दिया गया है एच टेंस टू ए प्लस ए और ए का जो प्रोडक्शन दिया गया है जीरो एंड वन, तो इससे जो भी हम स्ट्रिंग फाइंड आउट करते हैं केवल एक ही ट्री जनरेट हो सकता है, अगर जीरो प्लस जीरो या जीरो वन कंसीडर करते हैं या वन वन कंसीडर करते हैं वन प्लस वन, दैट इज द अनएम्बिग्यूस ग्रामर। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी ग्रामर को हम अनएम्बिग्यूस ग्रामर को अनएम्बिग्यूस ग्रामर में कन्वर्ट करते हैं तो हमें कुछ डेरिवेशन ट्री के स्टेप्स इनहेंस करने पड़ेंगे जो डिपेंड करता है आपका एसोसिएटिव रूल पे। आप कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो टू टाइप से करते हैं, लेफ्ट एसोसिएटिव एंड राइट एसोसिएटिव। ध्यान दीजिएगा, तो हमने यहाँ पर जो प्रोडक्शंस एम्बिग्यूस से जो अनएम्बिग्यूस प्रोसेस चेंज करने के लिए डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए डिफरेंट सॉल्यूशंस कंसीडर किए जा सकते हैं। हम देख रहे हैं ई टेंस टू ई प्लस सी लिखा हुआ है, तो हमने किया एक नेक्स्ट नॉन टर्मिनल वेरिएबल कंसीडर किया टी और ई टेंस टू टी कंसीडर करेंगे, फिर टी टेंस टू टी इंटू एफ एक न्यू नॉन टर्मिनल कंसीडर करेंगे और टी टेंस टू एफ कंसीडर करेंगे जो हमने अदर नॉन टर्मिनल कंसीडर किया है, इसके रिस्पेक्ट में एफ टेंस टू ई फाइंड आउट होगा और एफ टेंस टू एक आपका टर्मिनल सिंबल्स होगा। इस बेस पर जब हम ट्री डिजाइन करेंगे तो आपका एक ही ट्री जनरेट होगा जो कि एम्बिग्यूस प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल आप एसोसिएटिव रूल समझना चाहते हैं तो ए स्ट्रिक ए प्लस बी स्ट्रिक बी, तो आप इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए ए को आपस में कर सकते हैं और बी को कर सकते हैं, फर्दर इसको आप एड ऑन कर सकते हैं, या b इंटू बी को आपने मल्टीप्लाई कर लिया फिर a के साथ ऐड किया और a के साथ हमने मल्टीप्लाई किया। द सेकेंड एज्यूम दैट प्लस बाइंड्स टाइटर देन एस्ट्रिक एंड देन ऑपरेटर्स बाइंड्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट रेदर देन लेफ्ट टू राइट।
Ambiguity is a grammar is undecidable. There is no particular algorithm for removing the ambiguity of grammar, but we can remove ambiguity by disambiguate the grammar, rewriting the grammar such that there is only one derivation or paucity possible for a string of the language which is grammar represent. Thank you very much. Thanks for watching. Please like all videos and subscribe my channel. Share to all your friends. Thank you.